इलेक्ट्रिक बल्ब की खोज से पूर्व लोग रोशनी के लिए मोमबत्ती तथा तेल से जलने वाली बत्तियों का इस्तेमाल किया करते थे। ये बत्तियां ज्यादा समय तक उपयोग नहीं की जा सकती थी और इनका रख रखाव भी करना पड़ता था, लेकिन बल्ब की खोज ने मानव जीवन को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। परंतु क्या आपको मालूम है अंधेरे को दूर करने वाले इस महत्वपूर्ण उपकरण बल्ब का आविष्कार किसने किया था और कब? तो हम आपको बता दें कि इसे बनाने का प्रयास अनेक वैज्ञानिकों ने किया, लेकिन पूर्ण रूप से सफलता सन 1879 में अमेरिकी वैज्ञानिक एवं व्यवसायी थॉमस एल्वा एडिसन को मिली। एडिसन ने सिर्फ बल्ब का ही आविष्कार नहीं किया, बल्कि उन्होंने 1000 से भी ज़्यादा छोटे बड़े उपकरणों की खोज की है, जिसमें ग्रामोफोन, मोशन पिक्चर कैमरा, कार्बन टेलीफोन ट्रांसमीटर, अल्कलाइन स्टोरेज बैटरी आदि शामिल है। दुनिया में वृहद उत्पादन की शुरुआत करने वाले वे पहले व्यक्ति थे। अमेरिका में उनके नाम पर 1093 यंत्रों के आविष्कार के पेटेंट हैं। आश्चर्यजनक रूप से एडिसन 4 वर्ष की उम्र तक बोलना नहीं सीख पाए थे तथा उनका सिर औसत आकार से बड़ा और उसके आगे का भाग असामान्य रूप से काफी चौड़ा था। वर्ष 1954 में 7 वर्ष की उम्र में एडिसन ने स्कूल जाना प्रारंभ किया और मात्र 12 हफ्तों में ही स्कूल छोड़ दिया, जिसका मुख्य कारण था उनकी अति सक्रियता एवं ध्यान का स्थिर ना होना, जिससे अध्यापक भी उन्हें संभाल नहीं पाते थे। अंत में उनकी मां ने उनका स्कूल जाना बंद करवा दिया और स्वयं उन्हें 11 वर्ष की उम्र तक घर पर ही पढ़ाया। एडिसन विलियम शेक्सपियर के नाटकों को बहुत पसंद करते थे और एक अभिनेता बनना चाहते थे। हालांकि अपनी बहुत तेज आवाज और दर्शकों के सामने शर्मीले स्वभाव के कारण उन्हें यह विचार बहुत जल्द त्यागना पड़ा। एडिसन दुनिया के एकमात्र ऐसे वैज्ञानिक हैं जिन्होंने लगातार 65 वर्षों तक प्रत्येक वर्ष किसी न किसी नए आविष्कार के लिए पेटेंट प्राप्त किया था। थॉमस एल्वा एडिसन ने यह निश्चय किया था वह किसी भी ऐसे उपकरण का आविष्कार नहीं करेंगे जिसकी बाजार में मांग ना हो और वो बिके नहीं। एडिसन का जो पहला आविष्कार था वह एक यूनिवर्सल स्टॉक प्रिंटर था, जिसे वे अपने अन्य नए आविष्कारों के साथ गोल्ड वुम स्टॉक टेलीग्राफी कंपनी के मालिक जनरल लेफ्टरस को बेचने में सफल हुए थे। इससे जुड़ी एक रोचक बात इस प्रकार से है, एडिसन को ऐसा लगा कि उनके आविष्कार की कीमत 5000 अमेरिकी डॉलर है और वह उसे $3000 पर बेचने को तैयार हो गए। लेकिन लेफ्टरस ने आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा कि $40,000 में सौदा कैसा रहेगा। बाद के सालों में उन्होंने बताया कि जनरल लेफ्टरस का प्रस्ताव सुनकर वह तो एक बार बेहोशी हो गए थे, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने आप को किसी तरीके से संभाला और उस प्रस्ताव को उचित समझकर स्वीकार कर लिया। जीवन की शुरुआती दिनों में एडिसन एक टेलीग्राफ ऑपरेटर का काम करते थे। इसी कार्य ने उन्हें आगे चलकर दूरसंचार के क्षेत्र में अनेक नए उपकरणों को बनाने की प्रेरणा दी थी। 13 साल की उम्र में कुछ समय तक समाचार पत्र बेचने के बाद एडिसन ने स्वयं को समाचार पत्र शुरू करने का निर्णय लिया और एक न्यूज़पेपर शुरू किया जिसका नाम था ग्रैंड ट्रंक हेराल्ड। यह समाचार पत्र उन्होंने अपने पुराने ग्राहकों को ही बेचा, जिसे उन्होंने बहुत पसंद किया और वो इस छोटे से व्यवसाय में भी सफल रहे। सन 1876 में उन्होंने कैलिफोर्निया के मेनलो पार्क में अपनी पहली प्रयोगशाला स्थापित की, जो आगे चलकर दुनिया की पहली औद्योगिक अनुसंधान प्रयोगशाला बनी। मेनलो पार्क में स्थापित प्रयोगशाला में एडिसन ने दुनिया को बदलने वाले इतने आविष्कार किए कि लोग उन्हें मिलान पार्क का जादूगर कहने लगे, द विजार्ड मेनलो पार्क। एडिसन को विश्व का पहला बिजली का बल्ब बनाने में 1.5 साल का वक्त लग गया। इसको जब जलाया गया तब यह 13 घंटे से ज्यादा समय तक जला था। इसके फिलामेंट को कार्बनीकृत धागे से बनाया गया था। 31 दिसंबर 1879 को मेल्लो पार्क में स्थित प्रयोगशाला के कॉम्प्लेक्स को एडिसन द्वारा बनाए गए बिजली के बल्बों से रोशन किया गया था, जिसे पहली बार देखने के लिए हजारों की संख्या में लोग इकट्ठे हुए थे। दिलचस्प रूप से अल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्म भी उसी वर्ष हुआ था। एडिसन के बारे में एक मजेदार बात यह है कि उन्होंने तिलचट्टे तक को मारने के लिए एक उपकरण बनाया था, जिसमें बिजली का उपयोग कर उन्हें आसानी से मारा जा सकता था। थॉमस एडिसन दुनिया के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 23 अप्रैल 1896 को पर्दे पर मोशन पिक्चर प्रोजेक्टर की मदद से चलचित्र चलाकर दिखाया था।
एडिसन एक बार पत्थरों से अयस्क अलग करने की विधि विकसित करने पर प्रयोग कर रहे थे, लेकिन वो इसमें विफल रहे और उन्हें लाखों डॉलर का नुकसान उठाना पड़ा था। वे इसे अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी विफलता मानते हैं। तो कैसी लगी ये जानकारी कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक ऐसी ही वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जाते जाते आपको बता दूं कि अपने सबसे उत्पादक वर्षों में एडिसन प्रतिदिन 18 घंटे तक काम किया करते थे। धन्यवाद।